इस वीडियो में मैं आपको पैकेज वन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। पैकेज वन शुरू होता है शिव मूर्ति NH8 यहाँ से, और ये यहाँ सीधा जाकर स्ट्रेट ये सेक्टर 21 जो द्वारका का है, द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज वन यहाँ पे एंड होता है। तो ये जो पूरा पॉइंट है इस सेक्शन से इस सेक्शन तक, जो एयरपोर्ट की ये जो दीवार है, तो इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज वन है। तो यहाँ पे मैंने 18th of December 2018 को आपको एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे NHAI ने यहाँ पे अपना एक सेटअप कर लिया था पैकेज वन के काम को शुरू करने के लिए। तो मैं इसका स्टेटस आपको बताने वाला हूँ कि एज ऑन डेट यहाँ पे क्या दिख रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ पर डालूँ वो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये वीडियो थी 18th of December 2018 की, जब मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे पैकेज वन का जो कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने अपना सेटअप कर लिया था यहाँ पे। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ थी और काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा 18th of December। सो 8 दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के बाद यहाँ पे क्या स्टेटस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाने वाला हूँ। हालाँकि काफ़ी शॉकिंग है जो मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल आप ये 18th of December की वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने अपना सेटअप कर लिया था LOI रिसीव करने के बाद NHAI से। ये बिल्कुल वो टी पॉइंट है जब आप कापस हेड़ा से आते हैं और एयरपोर्ट के लिंक रोड, द्वारका के लिंक रोड को हिट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कापस हेड़ा का रेड लाइट है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो है 24th of April 2019 की। तो यहाँ पे मैं कापसहेड़ा बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ, द्वारका के साइड से मैं NH8 के तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेटअप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो सेटअप है, काम कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ नहीं है। ये अप्रैल का अपडेट है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जितना आपको बॉर्डर दिख रहा है ये एयरपोर्ट का वॉल है। तो यहीं से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज वन जाना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, करंट वीडियो है। इस वीडियो को देखकर, मतलब इस जगह से जब मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं बिल्कुल शॉक रह गया। ये वही पॉइंट है जहाँ पे आपने पहले सेटअप देखा था कॉन्ट्रैक्टर का, अब वो सेटअप नहीं है उस जगह पे। तो पैकेज वन से सेटअप हटा दिया गया है। ये मैं इसे गुड न्यूज़ बोलूँ या बैड न्यूज़ बोलूँ, कुछ बड़ा ही शॉकिंग था जब मैंने ये देखा कि मुझे उम्मीद था कि यहाँ पे कुछ काम शुरू हो रहा होगा, बट आई थिंक यहाँ से अब ये सेटअप नहीं है। इसका स्लो मोशन आप देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब कोई सेटअप नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का। तो अब मैं इसके बारे में पता कर रहा हूँ और डिटेल में जैसे ही पता चलेगा मैं आप सबको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ से सारा सेटअप हटा दिया गया है पैकेज वन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर हिट कर दें, सो डैट जब भी जैसे ही मैं इसका अपडेट डालता हूँ पैकेज वन या पैकेज टू में क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप तक इमीडिएटली पहुँच जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ।